Good morning everyone, myself Kala Sony. I welcome to you on this digital platform of Success Point Senior Secondary School, Badmir. As you know, we have already discussed parts of speech and persons. So now I am going to start our most important topic: tense. Tense meaning time. When I talk about tense, that means time. टेंस का मीनिंग ही होता है टाइम इस टॉपिक को अगर मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं वन बाय वन तो इसको मैं कहूंगा टाइम मैं इसको समय से डिनोट करूंगा टेंस इसका हिंदी मतलब होता है काल काल माने समय तो जब भी टेंस की बात आएगी तब हम बात करेंगे समय की और समय कौन कौन सा हो सकता है समय या तो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस इफ वी सी एट फर्स्ट आई कैन राइट हेयर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस दे आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट अगर हम प्रेजेंट की बात करें यानी वर्तमान अभी जो टाइम चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं सो so, इसका मीनिंग होगा वर्तमान समय की बात हो रही है जब हम अभी की बात करेंगे पास्ट यानी भूतकाल जब हम पास्ट की बात करेंगे भूतकाल की बात करेंगे और फ्यूचर यानी भविष्यकाल भविष्यकाल काल, काल माने टाइम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य फ्यूचर यानी भविष्य सो यहां पर क्या हो जाएगा ये भविष्य काल हो जाएगा तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हम ज्यादा से ज्यादा किस समय की बात कर सकते हैं या तो हम अभी की बात करेंगे या जो बीत गया उसकी बात करेंगे या आने वाले समय की बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये टेंस पहले ही मैं बता चुका हूं आपने इसको काफी टाइम पढ़ा है अब कुल cool माइंड से जो भी एक एक पॉइंट समझा रहा हूं बड़े आराम से उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत 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 ही आसान आसान है टेंस। बहुत नहीं, बहुत आसान है है टेंस नहीं ज्यादा थ्री टाइप्स हम टेंस की बात करेंगे तो या अभी की या पास्ट की या फ्यूचर की तीनों में से एक ही हम बात करेंगे इनके भी फोर कैटेगरी होती है ईच टेंस हैज फोर कैटेगरी प्रत्येक टेंस के पास क्या होती है चार तरीके की कैटेगरी होती है पहले मैं आपको वो समझ देता हूं कौन कौन सी होती है कैटेगरी के अंदर जैसे अगर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस Present perfect tense and present perfect continuous tense. there are four types of tense present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous तो so, यहाँ पर four तरीके category हमको देखने के अंदर मिलती है tenses की और इन four category के अंदर इन four category के अंदर ऐसे कैसे past और future भी divide होते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट 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 प्रेजेंट इसी तरीके से पास्ट 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 सिंपल एंड परफेक्टेंटेक्ट तो फोर कैटेगरी होती है ईच टेंस टेंस की हर टेंस की हर चार भाग होते हैं इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी समझेंगे यहां पर ये सिंपल फर्स्ट कैटेगरी कॉन्टिन्यूस सेकेंड कैटेगरी परफेक्ट थर्ड कैटेगरी एंड इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ कैटेगरी न सी परफेक्ट कंटिन्यूस इज अवर फोर्थ कैटेगरी तो ये चार तरीके के भाग होते हैं हर टेंस के अंदर चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे हमारा क्या हो फ्यूचर हो ठीक है अब चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस की ओर और, और प्रेजेंट के अंदर भी सबसे पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट अल टेंस सबसे फर्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल यानी कि सामान्य वर्तमान इसका अगर हिंदी में मैं कहूंगा इसको तो सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल यानी अभी के सामान्य समय की हम बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट टाइम की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड इसकी फर्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट सिंपल टेंस सामान्य वर्तमान काल अब इस टेंस के अंदर जब भी हम टेंस पढ़ने के लिए बैठते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं सीधा उसका ले लेते हैं सर स्ट्रक्चर ले लो आप इसका है ना अब यहां जो नई चीज है वो सीखने को आपको मैं जो है जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना कि अगर मैं बात करूं आप सबसे पहले इसका क्या देखते हैं सबसे पहले कि सर इसका स्ट्रक्चर लिख दो चलो आपने कहा तो मैं यहां पे स्ट्रक्चर लिख देता हूं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस ई एस आई एस एंड ऑब्जेक्ट हियर इज अवर स्ट्रक्चर यहां हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस या आई एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स और बाद में ऑब्जेक्ट अब यह समझने लायक क्या बात है समझने लायक ही बात है क्या सब्जेक्ट के बिना कोई वाक्य बनता है अब देखना ध्यान से जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल लिया राम पत्र लिखता है राम पत्र लिखता है तो क्या सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है क्या सब्जेक्ट के बिना वाक्य बन सकता है काम करने वाला तो चाहिए सेंटेंस में और सब्जेक्ट के बिना जो सेंटेंस बनता है वो किस में बनेगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे तब बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट गायब होते हैं जैसे ओपन द डोर तो कहना तो चाहते हैं कि तुम दरवाजे को खोलो है ना लेकिन वहां पर यू साइलेंट रहता है तो इंपरेटिव सेंटेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर सब्जेक्ट साइलेंट रहता है लेकिन जनरली जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो होता ही है सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस कैसे बनेगा सब्जेक्ट का मीनिंग डूअर पहले आप समझ लेते हैं सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है इस सब्जेक्ट ये राम जो है सब्जेक्ट है अगर इसकी मैं इंग्लिश बनाऊंगा तो राम गया सब्जेक्ट ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट एंड ऑब्जेक्ट अ लेटर सर यहां तक तो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ में आ गया आज तक जैसे समझते थे वैसे और राम के साथ जो है अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर इसके पीछे के पीछे क्या लग जाएगा एस वो रूल मैं आपको बताता हूं बाद में मेरे तरीके से ठीक है और यहां मैंने एक और सेंटेंस लिया मैं हंसता हूं मैं ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं वो क्रेम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मैं हंसता हूं ध्यान से समझिएगा अब इसकी इंग्लिश क्या होगी यहां पर तो ये हो जाएगा ये सब्जेक्ट है ना और ये इसकी वर्ब है है ना तो यहां पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं और इसकी जब इंग्लिश तो बनाएंगे हम तो अपन सिर्फ ना लिखेंगे आई लाफ आई लाफ मैं हंसता हूं इसका भी रूल है वो बाद में बताऊंगा रूल मैं यहां क्या समझाना चाहता हूं वो बात ध्यान दीजिएगा बोर्ड राम राइट लेटर राम एक पत्र लिखता है ठीक है यहां तो इसके अंदर क्या था यहां अपने पास ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था लेटर ठीक है लेकिन यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट तो है तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब भी हम टेंस के सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट तो होगा उसके अंदर और किसी किसी में ऑब्जेक्ट होगा किसी में नहीं होगा ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है बिना ऑब्जेक्ट के भी टेंस के सेंटेंस बनते हैं लेकिन बिना सब्जेक्ट के टेंस के सेंटेंस नहीं बनते हैं तो क्या स्ट्रक्चर के अंदर हमको ये याद रखने की जरूरत तो है पर ये इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर मैं की बात करूं, तो क्या हमको ये ऑब्जेक्ट ये, ये दोनों वर्ड इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको मेमोराइज करने की नीड है हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें क्या देखना है इसके अंदर हमें देखना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है पकड़ो इसको कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस ये हमको लगाना है ये इसका रूल है सो माई डियर स्टूडेंट्स आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर के अंदर बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है सभी सेंटेंस में जनरली स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑब्जेक्ट है ठीक है नहीं है तो भी ठीक है ये सेंटेंस आपने देख लिया आई लाफ यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हुआ चलू कि सब्जेक्ट कहते कैसे है और ऑब्जेक्ट कहते कैसे ये भी साथ में ध्यान रखना एग्जाम्पल लेते हैं या इसी को ले लें राम राइट्स अ लेटर राम का मतलब होता है यहां पर काम कौन कर रहा है यहां काम कर रहा है राम और राम काम किस पर कर रहा है तो राम पत्र पर काम कर रहा है तो सब्जेक्ट जो होता है अपना जो डूअर है करता है काम को करने वाला वो किस पर अपना काम कर रहा है वो अपना क्या हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से अगर, evening, और अगर आपको पूछ ले कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है तो आप सीधे से क्या होगा जो एंडिंग वाला दे रखा है वो ऑब्जेक्ट है ऐसा नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म मैंने कि जिस पर करता अपना काम करता है फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल आई इसको ध्यान से समझिएगा बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है आपको हमेशा के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो है झंझट आपकी खत्म हो जाएगी आई प्ले फुटबॉल तो आई काम किस पर कर रहा है इफ आई टॉक अबाउट आई आई काम कर रहा है इस फुटबॉल पर तो जिस पर काम करेगा तो ये फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी और इसको मैं का माने काम करने वाला माई डियर काम करने वाला ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा और साथ ही साथ में हमारा क्या हो जाएगा ये प्रोनाउन भी हो जाएगा जो सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है काम आ रहा है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यूज होता है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम करता है आई प्ले फुटबॉल यहां पर फिर मैंने लिख दिया यहां मैंने फिर लिख दिया इन द मॉर्निंग आई आई एम एम इसको कर दो प्लेइंग फुटबॉल कर दो भले इन द मॉर्निंग ले लो यहां पर इन द मॉर्निंग इन द नाइट ले लो कुछ भी ले लो तो ये इन द नाइट हमारा ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना यहां पर ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा अपना ऑब्जेक्ट होगा ये क्योंकि आई का वर्क किस पे हो रहा है आई का वर्क हो रहा है फुटबॉल पर तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर काम करता है अब सब्जेक्ट का ये भी जरूरत तो नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट जो है पहले आएगा मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला इसलिए समझा रहा हूं कि सेंटेंस में आप कंफ्यूज ना हो कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है हमेशा जरूरी नहीं है कि जो पहला वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा क्योंकि जब हम ऐसी देखते हैं सेंटेंस को ले लेते हैं राम राइट्स अ लेटर और लेटर इज रिटर्न बाय ध्यान से देखना इसको अब देखो इस सेंटेंस के अंदर देखो आप आप फर्स्ट सेंटेंस आप बाकी सब कुछ छोड़ो कि कैसे बना है कैसे नहीं वो बाद में मैं टेंस में समझा रहा हूं मैं आपको आप सिर्फ इसमें ये देखो कि सब्जेक्ट कौन सा है फर्स्ट सेंटेंस इफ यू सी फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी फर्स्ट सेंटेंस इन द फर्स्ट सेंटेंस राम इज अवर सब्जेक्ट बिकॉज राम डज वर्क इन दिस सेंटेंस क्योंकि राम क्या कार्य करता है राम पत्र लिखता है तो राम का कार्य किस पर हो रहा है इस लेटर पर तो सीधी सी बात ही है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया बहुत ईजी था अब देखो दूसरे सेंटेंस के अंदर है ना हालांकि पैसे हुए इसका कॉन्सेप्ट है पैसे आएगा तब समझाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इसलिए पहले मैंने ये बता दिया मैंने कहा ना छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो क्लियर करते हुए चलेंगे छोड़ेंगे नहीं अ लेटर अब आप सोचो क्या अ लेटर खुद कुछ काम कर रहा है वो पड़ा है वो निष्क्रिय है वो एक्टिव नहीं है ये एक्टिव था काम करने वाला था ये पैसिव है पड़ा है तो इसको मैं दो तरीके से समझ सकता हूं एक तो ये वाक्य कौन सा था ये वाक्य हमारा जब इफ यू टॉक अबाउट दिस सेंटेंस वी कैन से दैट दिस इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा और ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा मैं यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव नहीं समझा रहा हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ क्या समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या, क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है अब ए लेटर यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है लेकिन दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड वाई आई थिंक अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्यों अब देखो अगर ये भी सेंटेंस देखते हैं लेटर इज रिटन बाय राम एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया काम किसने किया पत्र पर पत्र लिखने का काम किसने किया हमारे भाई साहब राम जी ये बैठे तो ये राम जी हमारा सब्जेक्ट होगा भले ही ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो लेकिन इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट तो हमारा ये होगा ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा इसीलिए जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं

पानी पर क्या काम कर रहा है पीने का तो पीने का काम कर रहा है ड्रिंकिंग तो हो जाएगी मेन वर्ब और वाटर जिस पर वो काम कर रहा है वो अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है कि सबसे लास्ट में हो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है है ना और सब्जेक्ट भी कहीं पे भी हो सकता है और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा है ना वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जब पैसे उसका सेंटेंस देखा जाएगा तब अब चलते हैं हमने वापस टेंस की और ये तो था अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो आपको कभी याद नहीं रखना है स्ट्रक्चर में कि पहले सेट नहीं करना है सब्जेक्ट, तो समझ में आ तो जब सब्जेक्ट नहीं याद करना है इस के अंदर, जब अपन को ऑब्जेक्ट याद नहीं करना है तो पीछे अपन को इस प्रेजेंट में देखना क्या है सो अपन को देखना है कि ये क्या कहता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है वर्ब वाला कि फर्स्ट वर्ब के साथ एसई एस और आई ई एस लगता है मैंने आपको पहले ही क्लासेस के अंदर कहा था कि मैं किसी भी चीज को क्रैम नहीं करवाऊंगा और आपको भी नहीं करने दूंगा सीधा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो चाहे कोई भी टेंस हो आपके माइंड में स्ट्रक्चर मेमोराइज नहीं करना है आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ग की फॉर्म्स याद नहीं करनी है बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अब एक नई बात को समझिएगा अब ये तो हमको देखना नहीं है ये भी हमको देखना नहीं है अब हम बात कर लेते हैं वर्ग की फॉर्म्स की है ना अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पर क्या है वर्ब की अपने फर्स्ट फॉर्म है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म है सो so, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने पास वी हैव हैसेस इफ यू सी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बारह टेंस है क्योंकि एक के पास चार है प्रेजेंट के चार पास्ट के चार और फ्यूचर के चार तो इन बारह टेंसेज के अंदर जो वर्ब है वर्ब की जो फॉर्म है आई थिंक यू नो इट वेरी वेल तुम इसे जानते हो वर्ब की थ्री फॉर्म्स फॉर्म्स होती है आर थ्री ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म 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 एंड थर्ड वैसे तो फाइव होती है वो बाद में समझाऊंगा पार्टिसिपल वगैरह जी फॉर्म वगैरह बाद में वो जनरली थ्री फॉर्म की बात कर रहे हैं हम यहां पर जैसे कोई भी ले लो गो वेंट गॉन तो ये हमारी क्या हो जाएगी ये वर्ब की थ्री फॉर्म्स हो जाएगी जैसे ड्रिंक ड्रंक एंड तो ये सारी हमारी क्या है वर्ब की फॉर्म्स है फर्स्ट फॉर्म फॉर्म थर्ड फॉर्म सेकंड थर्ड है तो जनरल से दो मैंने एग्जांपल यहां पर लिए तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस बात को ध्यान से समझिएगा वी हैव ट्वेल्व टेंस हमारे पास बारह टेंस है और किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है ध्यान देना इधर चलते हैं अपन फिर यहां पर ये चार टेंस है अब देखिएगा वर्ब के हमारे पास थ्री फॉर्म्स है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो थर्ड फॉर्म से को लेकर मैं चल रहा हूं थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है इन विच टेंस वी कैन यूज द थर्ड फॉर्म द वर्ब वैन वी मेक सेंटेंसिस जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है तो यहां देखिएगा यहां पर ये परफेक्ट टेंस दिख रखा है परफेक्ट देख रखा है यह कौन से नंबर पर थर्ड नंबर पर तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो थर्ड नंबर का जो टेंस है परफेक्ट ऑनली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली परफेक्ट नॉट परफेक्ट कंटिन्यूज थर्ड के अंदर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी थर्ड बात आई समझ में थर्ड के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी थर्ड तो वर्ब की थ्री फॉर्म्स है थर्ड को निकाल दो बाहर और ओनली ऐसा टेंस है वी हैव ओनली टेंस इन विच वी कैन यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी मेक दैट टेंस सेंटेंसेस वो है पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल के अंदर हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट सिंपल के अंदर ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बात आई समझ में तो हमने क्या देखा हमने ये देखा सर कि परफेक्ट के अंदर जो तीसरी हमारी तीसरी कैटेगरी हमारी टेंस की उसमें वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो अपने पास थ्री टेंस है थ्री टेंस के जो थर्ड पार्ट है परफेक्ट 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 यानी कि तीनों निकाल दो पीछे कितने बचे नौ टेंस बचे और ओनली टेंस पास्ट सिंपल ऐसा है जिसमें वर्ग की कौन सी फॉर्म यूज होती है सेकेंड टेंस यूज यूज होती है और बाकी सभी सेंटेंसेस बाकी सभी टेंसेज के अंदर वर्ग की कौन सी फॉर्म यूज होगी फर्स्ट फॉर्म तो यहां पर आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं देखें जैसे अगर सिंपल से मैं आपको समझाऊं परफेक्ट तो यहां पर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म और पीछे बचे ऑल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थिंक यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो गया होगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं थर्ड में थर्ड सिंपल में सेकंड बाकी सभी में फर्स्ट तो क्या वर्ब की फॉर्म्स को नीड है याद करने की उसको याद नहीं करना और हमको ये वर्ब की फॉर्म भी याद नहीं करनी सो माई डियर स्टूडेंट्स अब मुझे आप बताइए कि यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अपन को क्या याद करना है याद भी नहीं करना क्या समझना है पीछे बचा के अपने पास पीछे अपने पास बचा एस ई एस और आई एस ओनली अपने पास जो बचा है वो अपने पास बचा है ये S, e, S और I, e, e, इसको हमें समझना है तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एस ई एस और आई ई एस का यूज ही प्रेजेंट सिंपल टेंस एक बार फिर से देखिएगा स्ट्रक्चर हम याद करते हैं हमेशा हमेशा भूलते हैं नहीं याद करना अब सब्जेक्ट नहीं याद करना ऑब्जेक्ट नहीं याद करना वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपके माइंड में सेट करनी है तो पीछे बचा एस ई एस और आई एस आई थिंक अब हम आगे चल सकते हैं चलते हैं आगे अब देखें अब मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एस एस और आई एस इसका यूज ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका यूज क्या कहता है ये एस 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 ई आई क्या है यही प्रेजेंट सिंपल टेंस है अब चलते हैं अपन अपने, अपने पर्सन की ओर कि सर आपने पर्सन करवाए थे उसका क्या रोल था बेटा बात समझ में आ रही है मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं जहां पर हम हमेशा स्ट्रक्चर को मेमोराइज करते हैं सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म एस सी -E एस आई एस देन ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि सब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है वर्ब की फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है पीछे बचा एस e, और आई बस प्रेजेंट सिंपल टेंस देखें अब चलते हैं पर्सन के अंदर एस ई एस और आई एस तो मैं यहां पर कह सकता हूं एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर ही बस ये हो गया भाई अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट के सर आपने ये कैसे किया ये क्या लिखा आपने मैंने लिखा ही शी और इट व्हेन वी सी व्हेन वी सी व्हेन वी मेक प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंसेस इफ वी सी द सब्जेक्ट इज ही शी एंड इट देन वी ऑलवेज यूज एस एस एंड इज आफ्टर वर्ब बात सुनना ध्यान से कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य बनाएंगे और हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है क्या सब्जेक्ट इन तीनों में से एक है क्या जब भी वाक्य है क्या वो सब्जेक्ट ही है क्या वो सब्जेक्ट सी है और क्या वो सब्जेक्ट इट है मैंने इट को इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, था कि आप कंफ्यूज ना हो अगर ये तीनों है सब्जेक्ट तो तो आप क्रिया के पीछे क्या लगा दो एस ई एस आई एस अब देखिए इधर अब देखिए इसको यहां क्या था राम राइट्स लेटर राम एक पत्र लिखता है तो यहां मैंने आपको कहा था नहीं मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है तो यहां पर अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एस क्या है ना ये एस जो है ना ये क्यों लगा क्योंकि राम क्या है राम को मैं ही कह सकता हूं ये लो भाई ही राम को मैं ही कह सकता हूं तो ये क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये तो आई थिंक अब आपको रूल भी बताने की जरूरत तो नहीं है और क्राइम करने की जरूरत तो नहीं है कि बात समझ में कि जब भी हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है हमारे सामने और उसमें सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शेट है तो सब वर्ब के बाद में हम क्या लगाएंगे ये रहा एस ई एस और और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम क्या करेंगे एसई एस आई एस यहां पर नहीं लगाएंगे ये इतना प्रेजेंटेबल टेंस अपना है एग्जाम्पल लेकर समझते हैं अब देखिएगा ही जगह कोई नहीं हो सकता है राम श्याम जोहन मोहन सी की जगह कोई भी लड़की हो सकती है सीता गीता कुछ भी और एट की जगह मैंने आपको पहले ही समझा दिया इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगुलर काउंटेबल नॉन कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखा है अगर आपको नहीं पता है तो पिछली क्लासेस में आप जाइएगा और कॉन्सेप्ट को देखेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है है ना तो अगर इन तीनों में से एक है सब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे वर्ब के पीछे एस, कर देंगे, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कुल मिला के आपको एक चीज ध्यान रखनी है थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर बस इतना ही ध्यान रखना है अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस सी एस आई एस लगाना है और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है थर्ड पर्सन प्लूरल है फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन है तो हमें नहीं लगाना है पीछे कौन से बच्चे अगर फर्स्ट पर्सन की बात करूं ये लो आई वी सेकेंड की बात करूं ये लो भाई यू और थर्ड पर्सन प्लुरल की बात करूं तो दे तो इनके साथ एस ई e, एस आई एस यहां पर नहीं लगेगा बाकी कौन से रहे ही शेट रहे इनके साथ लगेगा बस इतना सा आपको माइंड में रखना है इसमें ऐड क्या होगा एस ई एस और आई एस एड होगा ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अब देखते हैं एग्जाम्पल <coughs> अब देखें मोहन मोहन कार चलाता है हम सब शतरंज खेलते हैं तुम गाते हो मैं खाना पकाता हूँ तो सीधी सी बात है ये तो आपने बहुत बार पढ़ चुके हो इसको कि जब वाक्य तो के सेंटेंस होते हैं तो इसको क्रैम करने की नीड नहीं है ता है है ते हैं ती तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो हमने अभी तक प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा क्या वाक्य कैसे बनाएंगे हम हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये देखा बस सब्जेक्ट को पकड़ना है अपन को ले लो अपन पहले सेंटेंस बनाते हैं फिर उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कैसे देखो यहां मैंने क्या सब्जेक्ट क्या है यहां पर मोहन ये लो मोहन अब सब्जेक्ट मोहन हो गया है ना हमारा अब ये क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है तो सर बिल्कुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि ही की जगह हमने क्या लिख दिया मोहन लिख दिया तो मोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसके पीछे एस ई e, एस आई एस लगाएंगे मैं आपको अभी बताता हूं कि एस कहां लगता है ई e, एस कहां लगता है आई एस कहां लगता है एक बार तीन चार एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं देखिएगा मोहन चलाने को बोलते हैं ड्राइव मोहन ड्राइव अकार मोहन ड्राइव अकार तो इसमें क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है पीछे क्या लग जाएगा एस मोहन ड्राइव स कार हम सब शतरंज खेलते हैं हम सब यानी वी वी कौन सा पर्सन है वी फर्स्ट पर्सन है और खेलने को क्या बोलते हैं प्ले तो वी प्ले चेस ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया इसके पीछे हमने एस एस आई एस, एस नहीं लगाया क्योंकि ये कौन सा पर्सन था फर्स्ट पर्सन था अपन को कोई मतलब नहीं है तुम गाते हो तुम गाते हो हाँ भाई तुमको क्या बोलेंगे यू गाने को बोलेंगे सिंग यू कौन सा पर्सन है ऑब्जेक्ट है नहीं छोड़ दो यू कौन सा पर्सन है ये सेकंड पर्सन है इसलिए इसके पीछे एस 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 आई नहीं लगेगा यहाँ फर्स्ट पर्सन था इसलिए इसके पीछे एस 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 आई नहीं लगा और पर ये थर्ड पर्सन था इसलिए इसके पीछे हमने क्या किया एस एस -E आई एस लगाया तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट ही शेट है तो वर्ब के एंड में एस सी एस आई एस लगा दो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शट नहीं है फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब के एंड में एस सी एस आई एस हमको नहीं लगाना है ये अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है और कुछ भी नहीं है एस ई एस आई एस का यूज ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये मेरा कॉन्सेप्ट है बिना रटे वाला देखते हैं आगे नाउ वी टॉक अबाउट एस ई एस एंड आई एस अब एस किसके साथ लगता है ई एस किसके साथ लगता है आई ई एस किसके साथ लगता है तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स है पहले बात करता हूं मैं इस ई एस की अगर मैं ई एस की बात करूं तो सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस इस तरीके के वर्ड्स अगर हमारे सामने आए उसके पीछे हमको क्या लगाना ई एस लगाना है फॉर एग्जाम्पल टी ए सी एच टीच इसके पीछे सी एच आ रहा है तो क्या हो जाएगा टी ई ए सी एच ई एस टीचे अब इन वर्ड्स को भी क्रेम नहीं करना है जैसे जैसे सेंटेंस में आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे अपने माइंड में सेट हो जाएंगे बस जनरली कुछ एक वर्ड माइंड में रखने के सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस अगर किसी वर्ड के एंथ एंड में हो तो हम क्या करते हैं उसके पीछे एस ई एस आई एस में से ई एस लगा देते हैं इस तरीके से टीच टीचे बश बशेज हो जाएगा टैक्स टैक्सेस हो जाएगा बज बजेज हो जाएगा ग्रास ग्रासेस हो जाएगा तो मैंगो मैंगोज हो जाएगा तो कोई भी वर्ड जिसके पीछे ये सारे हो उसके पीछे ई एस लगता है बस थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है प्रैक्टिस में आते ही अपने आप आपको सेट हो जाएगा राइटिंग सेक्शन के अंदर जब जैसे इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तब ठीक है तो इस तरीके से ई एस सिर्फ इन वर्ड्स में ही लगेगा एक दो और हो सकते हैं सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस इस तरीके के अगर वर्ड जो है आपको देखने को मिले जहां एंड में इस तरीके से हो तो पीछे एस लग जाता है ज्यादा इसको डीप में लेकर नहीं चलना है बहुत ईजीली वे में ये हो जाएगा समझना क्या है मेन आपको बताएं, हमको मेन जिसका कॉन्सेप्ट समझना है वो है आईएएस वाला एस आई कहाँ लगता है देखते हैं है। पर दो वर्ड लिख रहा हूं मैं एक तो लिख रहा हूं यहां पर प्ले और दूसरा मैंने यहां पर लिखा प्राय बहुत आसानी से समझना है इसको है ना देखो, अब यहां पर वाई है जब किसी वर्ड के एंड में वाई आए तब यहां पर आई एस का यूज होगा वो भी कैसे वो देखते हैं देखो इस वाई से पहले वी कैन सी हियर वाई से पहले क्या आ रहा है ए आ रहा है और ए क्या है ए हमारा वोवल है, है ना? A -I -O -U. तब तो इसमें नो चेंज होगा प्ले का सीधा का सीधा क्या रह जाएगा प्लेज हो जाएगा और इस वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है आर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है व्यंजन है तब ये वाई यहां से रिप्लेस हो जाएगा और सी आर आई ई और एस आई एस e, यहां पर क्या हो जाएगा एड हो जाएगा इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट और एक आधा एग्जाम्पल ले सकते हो फ्लाई का ले लो ये लो एफ एल वाई फ्लाई का किस तरीके से हो जाएगा एफ एल आई ई और एस यहां पर इस वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है ये भी व्यंजन है यहां पर इसलिए आई ई एस एड हो गया ये सिंपल सा नियम था इसका देखो ऑनलाइन क्लास के अंदर तो थोड़ा सा फ्री भी अपने स्पीड से चल रहे हैं लेकिन जब रेगुलर क्लासेस हमारी रहेगी स्कूल के अंदर तब आपको थोड़ा सा कम स्पीड से और अच्छी तरीके से आपको क्योंकि अपने पास वहाँ पर फुल टाइम होगा यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना फुल टाइम नहीं है कि बड़े बड़े वीडियोस आपके लिए डाले जाएं लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको कंटेंट पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आपको जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है जितने भी टॉपिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको समझाए जाएंगे वो ईजीली आपको समझ में आ जाए लेकिन थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हमें यहां पर सो एस ई एस एंड आई एस तो ई एस का कॉन्सेप्ट सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड डबल एस अगर किसी वर्ड के एंड में हो तो तो क्या लग जाएगा पीछे ई एस लग जाएगा और अगर किसी वर्ड के एंड में वाई हो और उससे पहले स्वर हो जैसे ए आई यू यू तब तो कोई चेंज नहीं होगा लेकिन अगर जैसे कॉन्सोनेंट होगा आर कॉन्सोनेंट होगा जैसे आई तो सीधा ये वाई किसमें चेंज हो जाएगा IES में चेंज हो जाएगा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वाई ही आईईएस में चेंज होता है बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं होता है तो एस ई एस आई एस समझ में आ गया होगा ई एस हमने पढ़ लिया आई एस पढ़ लिया और बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे एस यूज करेंगे तो जनरली जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा वैसे वैसे समझ में चीजें आएंगी आपको तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये अपना थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर ये अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस था बहुत ही आसान था और हमने इसको सीखा कैसे हमने ना तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है ना सिर्फ आइडेंटिटी जो आपको पता ही है ता है ते है ती है होता है बस आपको थोड़ा बहुत वो माइंड में रखना है है ना और वो भी नहीं रखना पड़ेगा जब टेंस अपने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे कैसे वो कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा कैसे मैं कह रहा हूँ ना इंग्लिश के अंदर एक भी वर्ड नहीं है जिसको मुक्रेम करना है बस समझते हुए चलना है बात आ रही समझ में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मीनिंग सिर्फ इतना है कि वी यूज एस ई एस एंड आई एस आफ्टर वर्ब व्हेन वी सी सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एज ही शी एंड इट। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शी है, तो वर्ब के एंड में एस सी एस आई एस लगा दो और ही शीट नहीं है तो वर्ब के एंड में एस एस आई एस मत लगाओ इतना है। और आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ बात करी है सिंपल सेंटेंसेस की देर आर सिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेज यहाँ पर छः तरीके के वाक्य होते हैं और सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेल्व सेवेंटी टू सेंटेंस होते हैं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंटिन्यू करेंगे और इसमें सिक्स कैटेगरी के सेंटेंस आपको समझाऊंगा इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है डू और डज वो हम पढ़ेंगे और इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स लेंगे और सिर्फ ओनली टेंस ऐसा है प्रेजेंट सिंपल टेंस जो थोड़ा सा टफ पड़ता है और उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पास्ट सिंपल टफ पड़ता है क्योंकि इसके अंदर सहायक क्रिया जो है वो अपना रोल प्ले करती है ज्यादा बाकी में तो सभी एज इट इज चलती है जैसे इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर रहता है है ना इस तरीके से तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस माने एस ई एस आई एस का यूज बस इतना ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है और एस ई एस आई एस का यूज किसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अब आपको पता चल गया होगा कि पर्सन क्यों दिया एस लगा दो और बाकी सभी के साथ क्या लगा दोगे आप एस लगा दोगे ये कॉन्सेप्ट था अपना आज का प्रेजेंट सिंपल टेंस का सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मेरे को लगता है कि आपको ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कल इसकी हेल्पिंग वर्ब्स इसके अभी तो हमने खाली पॉजिटिव अफर्मेटिव को मैंने समझाया अभी पर कल हम पढ़ेंगे उसमें भी कुछ भी याद करने जैसा नहीं है बस समझने जैसा है तो आज की क्लास में यहां पर फिनिश करता हूं कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे ओके माई डियर स्टूडेंट्स थैंक यू